दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के टॉपिक को स्टार्ट किया था। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का टॉपिक पंजाब टेक्स्ट बुक के अंदर तो मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान में पढ़ाई जाने वाली दूसरी बुक्स के अंदर ये टॉपिक मौजूद नहीं है। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का दूसरा फेज सिस्टम एनालिसिस को डिटेल में पढ़ा था, जिसके अंदर हमने किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए किन किन रिक्वायरमेंट्स की जरूरत होती है उनको इकट्ठा किया था। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का तीसरा और चौथा फेज डिजाइन और कोडिंग को डिटेल में पढ़ेंगे। आइए अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। दोस्तों, सिस्टम डिजाइन के अंदर किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए डिजाइन तैयार किए जाते हैं। तो दोस्तों, हम दुनिया में मौजूद तमाम चीजें, जो भी चीज हम इस्तेमाल करते हैं, उसको उसका पहले कोई ना कोई डिजाइन तैयार किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई कार, मोटरसाइकिल, फर्नीचर, आपकी शर्ट पर बने हुए डिजाइन, इन तमाम चीजों को पहले डिजाइन किया जाता है और डिजाइन करने के बाद ही उनको एक्चुअल में बनाया जाता है। दोस्तों, पिछले फेज में हमने एनालिसिस करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार की थी, तो अप्रूव करने के बाद डिजाइनर्स को दे दिया जाता है और डिजाइनर्स उसमें मौजूद रिक्वायरमेंट्स को डिजाइन करता है। SDLC का सबसे ज्यादा तकनीकी और चैलेंजिंग फेज है, क्योंकि अब हम व्हाट से हाउ की तरफ मूव कर रहे होते हैं, यानी कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और जो रिक्वायरमेंट्स हमने लिस्ट की थी उन्हें किस तरीके से मीट करना है, पूरा करना है, इसको डिजाइन किया जाता है। इस फेज में हमें हमारा पूरा सिस्टम एक डायग्राम की शक्ल में नजर आएगा, एक सिस्टम में कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स हैं और वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। दोस्तों, किसी भी सिस्टम को डिजाइन करना, उसकी लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन को पेश करना, ये तीन स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है, लॉजिकल डिजाइन और फिजिकल डिजाइन। दोस्तों, लॉजिकल और फिजिकल डिजाइन के जरिए बनाई जाने वाली रिपोर्ट, जिसके जरिए हम अपने एक्चुअल सिस्टम को डिजाइन करते हैं, लॉजिकल डिजाइन। दोस्तों, लॉजिकल डिजाइन किसी भी सिस्टम का ऊपरी डिजाइन कहलाता है, यानी के अंदर एक सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर क्या क्या काम कर रहा है, सिर्फ वही डिफाइन किया जाता है, लेकिन उन कामों को किस तरीके से किया जाता है ये लॉजिकल डिजाइन का पार्ट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है, एक हॉस्पिटल है, इसके अंदर डॉक्टर का पेशा होगा, स्टाफ का पेशा होगा, फार्मेसी मौजूद होगी, अकाउंट्स होंगे, पेशेंट्स होंगे, तो ये तमाम चीजें किसी भी हॉस्पिटल के मेन फंक्शंस होंगे, ये आपके लॉजिकल डिजाइन का पार्ट होंगे। लेकिन डॉक्टर्स के अंदर कितने डॉक्टर्स मौजूद हैं, स्टाफ के टेबल के अंदर कितने स्टाफ मौजूद है, स्टाफ की टाइमिंग क्या होगी, फार्मेसी के टेबल के अंदर कितनी दवाइयां मौजूद हैं, कितनी दवाइयां सेल हो चुकी हैं, उन दवाइयों की कैलकुलेशन, ये लॉजिकल डिजाइन का पार्ट नहीं होगी। यानी लॉजिकल डिजाइन के अंदर सिर्फ किसी भी सिस्टम के मेजर कॉम्पोनेंट्स, अहम कॉम्पोनेंट्स को डिजाइन किया जाता है। जैसे आपका मोबाइल फोन है, उसके अंदर इमेजिंग सिस्टम हो सकता है, कैमरा जरूर मौजूद होगा, म्यूजिक होगा, मैसेजिंग होगी, ये किसी भी मोबाइल के मेजर फंक्शंस हैं। लेकिन कैमरे के अंदर अलग अलग तरीके से, हर मोबाइल के अंदर डिफरेंट कैमराज होते हैं, कैमराज किस तरीके से काम करते हैं, ये तमाम चीजें लॉजिकल डिजाइन का हिस्सा नहीं होंगी। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने एक फी कलेक्शन सिस्टम को देखा था। फी कलेक्शन सिस्टम के अंदर स्टूडेंट फी सबमिट करेगा, यानी उसके अंदर फी सबमिशन का एक फंक्शन मौजूद होगा, इस तरीके से फी कलेक्शन का फंक्शन मौजूद होगा। लेकिन फी सबमिशन के अंदर, यानी जब वो फी सबमिट कर रहा होगा, तो उस फॉर्म के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन डालेगा, ये लॉजिकल डिजाइन का हिस्सा नहीं होगा। इस तरीके से फी कलेक्शन करने के बाद फी कलेक्टर उस फीस को कहाँ कहाँ एंटर करेगा, किन किन टेबल्स के अंदर उसकी एंट्रीज करेगा, ये लॉजिकल डिजाइन का पार्ट नहीं होगा। लॉजिकल डिजाइन का पार्ट सिर्फ आपके सिस्टम के मेन फंक्शंस होंगे, लेकिन वो फंक्शंस किस तरीके से अपनी फंक्शनैलिटीज को परफॉर्म कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं, ये आपके लॉजिकल डिजाइन का हिस्सा नहीं होगा। सिस्टम के मेजर कॉम्पोनेंट्स को डिजाइन करने के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स हैं। मैं आपकी बुक के अंदर MS प्रोजेक्ट को डिफाइन किया गया है। तो MS प्रोजेक्ट के जरिए, MS प्रोजेक्ट के अंदर मौजूद गैंट चार्ट और पर चार्ट के जरिए आप अपने सिस्टम के लॉजिकल डिजाइन को डिजाइन कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि गैंट चार्ट और पर चार्ट किस तरीके से आपके सिस्टम के लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन को डिजाइन करते हैं। गैंट चार्ट
दोस्तों जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप नया बनने वाला सिस्टम बना रहे होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन आपको सॉफ्टवेयर को बनाने के साथ साथ एक मुद्दत भी देती है, यानी हमें साल के अंदर, 5 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर ये सिस्टम बना हुआ चाहिए। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स क्या करते हैं, उस सिस्टम को छोटे छोटे फंक्शंस के अंदर ब्रेक कर लेते हैं और छोटे छोटे फंक्शंस के साथ साथ उस सिस्टम के उस फंक्शंस के टाइम भी डिफाइन कर देते हैं। यानी अगर आपका फी कलेक्शन सिस्टम है और पूरे सिस्टम को बनाने के लिए आपका ऑर्गेनाइजेशन ने 5 महीने दिए हैं, तो सिस्टम डेवलपर्स यानी उस सिस्टम को बनाने वाले लोग उसके अंदर मौजूद छोटे छोटे फंक्शन जैसे फी सबमिशन को 2 महीने के अंदर ब्रेक कर लेते हैं, फी कलेक्शन को 3 महीने के अंदर तोड़ लेते हैं, यानी 2 महीने के अंदर हमें फी सबमिशन को मुकम्मल करना है, 3 महीने के अंदर हमें फी कलेक्शन को मुकम्मल करना है। इस तरीके से एक सिस्टम मल्टीपल टास्क के ऊपर मुश्तमिल होता है और गैंट चार्ट के जरिए उन टास्क को लिस्ट डाउन किया जाता है, यानी उन टास्क का टाइम इंटरवल और उनकी मुद्दत को नापा जाता है। बार की लंबाई, यानी ये लंबाई ये बताती है कि एक टास्क की ड्यूरेशन कितनी होगी, एक टास्क को मुकम्मल होने में कितना वक्त लगेगा। गैंट चार्ट के जरिए इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी भी टास्क का आगाज कब हुआ और उसको मुकम्मल होने में कितना वक्त लगा। इसके बाद है पर चार्ट। दोस्तों इसके जरिए ना सिर्फ आप किसी भी टास्क की ड्यूरेशन का पता लगा सकते हैं, बल्कि इस बात का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि एक टास्क को कितना वक्त में मुकम्मल होना था, अगर उसने कितना ज्यादा या कितना कम वक्त लिया एक टास्क को मुकम्मल होने में। मौजूद ये एरोस इस बात की निशानदेही करते हैं कि कौन सा टास्क किस टास्क के ऊपर मुनासिर है। फॉर एग्जाम्पल टास्क फर्स्ट वन जब कम्प्लीट होगा तो तभी वो टास्क टू पर, मतलब टास्क वन का जो आउटपुट होगा वो टास्क थ्री का इनपुट होगा। अगर जैसे फी सबमिट होगी तभी तो फी कलेक्ट होगी, तो जब ये टास्क कम्प्लीट होगा तब ही दूसरा टास्क शुरू होगा। यानी इसके जरिए आप टास्क की डिपेंडेंसीज को भी बता सकते हैं। दोस्तों यहाँ तक हमने जाना कि एक सिस्टम के मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, लेकिन वो कंपोनेंट्स किस तरीके से काम करते हैं इसको हम लॉजिकल डिजाइन में नहीं बताते। तो इसको हम किस डिजाइन में बताते हैं, इसको हम फिजिकल डिजाइन के अंदर डिजाइन करते हैं। दोस्तों फिजिकल डिजाइन के अंदर हमारे सिस्टम के मेजर कॉम्पोनेंट्स के काम करने के तरीके को डिजाइन किया जाता है, यानी के जरिए किसी भी सिस्टम की जनरल कैपेबिलिटीज को डिफाइन किया जाता है, जो कि दुनिया में मौजूद तमाम सिस्टम की एक जैसी होती है। हर किसी सिस्टम के अंदर कोई ना कोई चीज हम इनपुट देते हैं, सिस्टम उस पर प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद रिजल्ट निकालता है, उसको कहीं ना कहीं महफूज करता है, जैसे कि हमने पीछे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर देखा था। दोस्तों हर सिस्टम के अंदर जनरल कैपेबिलिटीज एक जैसी होती है, इनमें सबसे पहले है इनपुट रिक्वायरमेंट्स। इनपुट रिक्वायरमेंट्स से मुराद है जो हमारे इनपुट्स हैं उनके फॉर्मेट्स क्या होंगे, उसको डिजाइन करना। फॉर एग्जांपल बैंक में हम जाते हैं कोई चेक वगैरह के सिलसिले में, तो वो एक फॉर्म फिल करने को देते हैं, इसको किसी ना किसी ने डिजाइन किया होता है। तो मींस अगर चेक सबमिट करवाना है तो क्या क्या इंफॉर्मेशन देनी होगी, उसको कौन सी इंफॉर्मेशन किस पोजिशन के ऊपर मौजूद होगी, उस फॉर्म का कलर क्या होगा, इन तमाम चीजों को इनपुट रिक्वायरमेंट्स के अंदर डिजाइन किया जाता है। के बाद है आउटपुट रिक्वायरमेंट। दोस्तों ऐसे ही जब काम होकर आउटपुट आएगा तो उसका फॉर्मेट क्या होगा, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी बिल जो कि एक रिपोर्ट है, एक फाइनल आउटपुट है, तो उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कौन कौन सी जगह पर होनी चाहिए, कौन सी चीज हाईलाइटेड होनी चाहिए, कहाँ पर लाइन मौजूद होनी चाहिए, इसको आउटपुट डिजाइन या फिर आउटपुट रिक्वायरमेंट के अंदर डिजाइन किया जाता है। के बाद स्टोरेज रिक्वायरमेंट, इसके साथ साथ जो फाइल्स आपके सॉफ्टवेयर के अंदर यूज होंगी, पहले हम मैन्युअली काम कर रहे थे, अपने डेटा को रजिस्टर्स के अंदर महफूज कर रहे थे, लेकिन अब हम कंप्यूटराइज सिस्टम्स के अंदर मौजूद हैं, तो उसके अंदर हमें कौन कौन से टेबल्स चाहिए, टेबल्स के अंदर कौन कौन से कॉलम्स होने चाहिए, कौन कौन सी कीज मौजूद होनी चाहिए, इन तमाम चीजों को स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स के अंदर डिजाइन किया जाता है। के अलावा प्रोसेस रिक्वायरमेंट, दोस्तों जब इनपुट को आउटपुट में तब्दील करने के लिए कौन से प्रोसेसेस करने होंगे, इसको प्रोसेस रिक्वायरमेंट के अंदर डिजाइन किया जाता है। जहां तक एक सिस्टम डिजाइन हो चुका होता है, अब आता है एक सिस्टम को किस तरीके से महफूज किया जाता है, जिसको सिस्टम कंट्रोल रिक्वायरमेंट्स के अंदर डिजाइन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा ईमेल सिस्टम होता है जिसको हम यूजर नेम और पासवर्ड के जरिए
महफूज करते हैं, अनऑथराइज्ड यूजर्स से बचाते हैं, तो ये तमाम चीजें फिजिकल डिजाइन के अंदर मौजूद सिस्टम कंट्रोल रिक्वायरमेंट्स के अंदर डिजाइन की जाती है। दोस्तों, लॉजिकल और फिजिकल डिजाइन का रिजल्ट एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट और एक रिपोर्ट की शक्ल में होता है। दोस्तों, इस रिपोर्ट के अंदर हम एक सिस्टम में मौजूद तमाम फंक्शंस के, तमाम कंपोनेंट्स के फ्लो चार्ट्स तैयार किए जाते हैं। फ्लो चार्ट्स जिसके अंदर ये बताया जाता है कि एक फंक्शन के अंदर क्या क्या इनपुट्स होंगे, उन पर क्या क्या प्रोसेसिंग होंगी, उस प्रोसेस करने के लिए किन किन फाइल्स को रेफर किया जाएगा, वो बताया जाएगा, उसका जो आउटपुट आएगा वो कौन से टास्क का इनपुट होगा, इन तमाम चीजों को इस डायग्राम के जरिए बताया जाता है, जिसको फ्लो चार्ट कहते हैं। और ये रिपोर्ट इन फ्लो चार्ट के ऊपर मुश्तमिल होती है, यानी हर हर फंक्शन का अलग अलग फ्लो चार्ट तैयार किया जाता है, फिर इस रिपोर्ट को हायर अथॉरिटीज को दे दिया जाता है, और जब हायर अथॉरिटीज उसको अप्रूव कर देती हैं, उसको मंजूर कर देती हैं, तो इसको अगले स्टेप यानी कोडिंग के अंदर दाखिल कर दिया जाता है। दोस्तों, ये एसडीएलसी का चौथा फेज है, इसमें जो हमारे पास डिजाइन स्पेसिफिकेशन आती है एक रिपोर्ट की शक्ल में, अब हमें उस स्पेसिफिकेशन को अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम्स लिखना होता है। प्रोग्राम्स किसी भी डिजाइन को अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के जरिए कोड में तब्दील करने के अमल को कहते हैं। ये किसी भी एसडीएलसी का कोर एरिया होता है, जिसमें हम एक्चुअल सिस्टम को डिजाइन करते हैं, एक्चुअल सिस्टम को डेवलप करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की मदद से। सॉफ्टवेयर डेवलपर वो इंसान होता है जो कि प्रोग्रामिंग करता है। तो ये टेक्निकल काम होता है, जिसमें बहुत ज्यादा वक्त और बहुत ज़हानत की जरूरत होती है, कि हर प्रोग्राम के अंदर बार बार एरर्स आते हैं, आपको उन एरर्स को डीबग करना होता है, उनको रिमूव करना होता है, और अलग अलग प्रोग्राम्स लिखने होते हैं जिसके अंदर बहुत ज्यादा वक्त दरकार होता है। वक्त को बचाने के लिए पहले से मौजूद पैकेजेस को भी आप अपने सिस्टम के अंदर शामिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक करीम की तरह का सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आपको गूगल मैप की जरूरत है, तो आप गूगल मैप के कोड को लिखने के बजाय, उनके प्रोग्राम्स को लिखने के बजाय एक लाइब्रेरी के जरिए उसको अपने सॉफ्टवेयर के अंदर शामिल कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपना बहुत सा वक्त बचा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ तक हमने जाना कि एक सिस्टम को, एक सॉफ्टवेयर को किस तरीके से डिजाइन किया जाता है, उसके लॉजिकल डिजाइन क्या होते हैं, फिजिकल डिजाइन क्या होते हैं, और लॉजिकल और फिजिकल डिजाइन के बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिसको कोडर को दे दिया जाता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर को दे दिया जाता है। सॉफ्टवेयर डेवलपर उस डिजाइन को प्रोग्राम्स के जरिए कोडिंग में तब्दील करता है। दोस्तों, अगले फेज में हम ये जानेंगे कि किसी भी सॉफ्टवेयर को किस तरीके से टेस्ट किया जाता है, वो कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, और इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या क्या मेंटेनेंस की जरूरत होती है।